हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। और यहाँ अभी बताने जा रहा हूँ सीबीएसई का 10th क्लास का पूरा टाइम टेबल कि किस प्रकार आपके वहाँ टाइम टेबल दिए गए हैं और कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम किया जाने वाला है आपका। तो पूरा टाइम टेबल देखूंगा और आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको ये पूरा टाइम टेबल देखने को मिल सके। और उससे पहले यदि आप सीबीएसई संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन को भी हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, सीबीएसई 10th क्लास का टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा। और इसका टाइम टेबल देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा आया है और यहाँ पर 21 फरवरी से यहाँ पर परीक्षा आपकी स्टार्ट हो रही है। तो कौन सी एग्ज़ाम का भी वो देख लेते हैं अभी हम। तो देखिए, 21 फरवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और देखिए, इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिशिंग एंड ऑफिस ई ऑफिस है, जो कि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 10:30 से 12:30 तक। तो इसके सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है 354 है। और अगला एग्ज़ाम होगा 22 फरवरी को, जो है आपका लिखिए पेंटिंग का एग्ज़ाम है, जो कि होगा उनके सब्जेक्ट कोड है 49, 10:30 से 1:30 तक। फिर 23 फरवरी को एग्ज़ाम होगा हिंदी म्यूजिक का, जो कि आपका देखिए 10:30 से 1:30 तक। एंड देखिए, यहाँ पर हिंदी म्यूजिक वोकल का होगा आपका एग्ज़ाम 25 फरवरी को, और इसका देखिए यहाँ पर 10:30 से 1:30 तक ये एग्ज़ाम चलने जा रहा है। फिर अगला है 27 फरवरी को, जिसको एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए हिंदी म्यूजिक के भी हैं, कांटिंग के भी, म्यूजिक वॉक के भी हैं, कार म्यूजिक का भी है, नेशनल कार्डे कैडेट कोर का है, हिंदी म्यूजिक पेयर पर का है, और इलेम ऑफ बिजनेस, इलेम बुक के, एन एस सी सी वाई के एग्ज़ाम जो है आपको होने जा रहे हैं 27 फरवरी को। और जो जिसका टाइम मैं बता दूँ 10:30 से 1:30 तक है। और अगला एग्ज़ाम आपका देखिए इसी में एक और बताया जा रहा है, जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो है 10 से 30 से। यहाँ पे और एग्ज़ाम की सूची यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एग्ज़ाम आपके सेम डेट को ही होने वाले हैं। फिर 2 मार्च को यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो होगा आपके इन्फो टेक्नोलॉजी का 10:30 से 12:30 तक। फिर 5 मार्च को एग्ज़ाम होगा यहाँ पे उर्दू कोर्स, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी और मलयालम। और उड़िया का यहाँ पर देखिए उड़िया है, असमैज है, और तिब्बतन है, जर्मन है, रूशियन है, परेशियन है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 5 मार्च को होने जा रहे हैं। फिर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपका 7 मार्च को मोस्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है। और सैटरडे यानी कि 9 मार्च को होगा दोस्तों कनाडा, अरबिक, फ्रेंच और गुरु। और ये जो एग्ज़ाम है वो हो गए 10:30 से 1:30 तक। फिर साइंस थ्योरी और साइंस और प्रैक्टिकल का हो जाएगा एग्ज़ाम आपको 13 मार्च का। 16 मार्च को संस्कृत का होगा, 19 मार्च को हिंदी कोर्स ए एंड हिंदी कोर्स बी का होगा, और 23 मार्च को इंग्लिश कॉमन एंड इंग्लिश एलएनजी एंड एलआईटी का होगा। फिर 25 मार्च को आपके एग्ज़ाम हो जाएगा होम साइंस का। 27 मार्च को आपके एग्ज़ाम देखिए 2 हैं एग्ज़ाम, फाउंडेशन ऑफ आईटी एंड इन्फो एंड कॉमर्स टेक। और 29 मार्च जो कि आपका आखिरी एग्ज़ाम है वो होगा सोशल साइंस का। यानी कि देखिए 21 से आपका जो 21 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होके 29 मार्च तक चलने वाला है आपका एग्ज़ाम। पूरा का पूरा डिटेल दे दिया है और यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड भी बीच में देख सकते हैं, ये इनके सब्जेक्ट कोड हैं जो कि यहाँ पर आप देख ही रहे हो। तो ये कुछ नोट्स भी दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए, और टाइम टेबल के लिए कुछ जो है वो नोट्स दिए गए हैं कि इस प्रकार की सावधानियां आप देख लीजिए। और टाइम टेबल में यदि कोई बदलाव होता है तो भी यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सीबीएसई आपको यहाँ पे बता देगा कि टाइम टेबल जिस दिन कोई कुछ बदलाव हो जाता है, तो भी कुछ अति आवश्यक बदलाव होता है तो भी यहाँ पर बता देगा सीबीएसई आपको। तो ये भी बात यहाँ पर लिखी हुई है, पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप नोट्स के रूप में। सीबीएसई का ऑफिशियल डाउनलोड करता है तो ऑफिशियल साइट cbse.nic.in है, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई का जो टाइम टेबल है 10th एंड 12th दोनों का ही डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने 10th का बताया है, 10th 12th का भी मैं लेकर जल्द ही आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।